असत्य पर सत्य की विजय। रामलीला मैदान में होगा रावण दहन, 1 घंटे से भी ज्यादा होगी आतिशबाजी। दशहरा पर आज शाम को रामलीला मैदान में रावण का दहन होगा। इस बार रावण सहित मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतलों की ऊंचाई 5-5 फीट घट गई है। रावण 55 फीट तो बाकी दोनों 40-40 फीट रह गए हैं। इसकी वजह 4 दिन पहले पुतले तैयार करना बताया जा रहा है, क्योंकि नगर निगम के पास बजट नहीं होने से DLB से मंजूरी लेनी पड़ी थी। इस बार पहली बार 1.5 घंटे तक आतिशबाजी होगी। लंका की झांकी पहली बार दिखेगी, जिसे सोने जैसा दिखाने के लिए सुनहरी झलक दी गई है। लंका के द्वार पर 2 हाथी के साथ ही कई अंग रक्षक भी होंगे। शनिवार को पानी दरवाजा स्थित रघुनाथ जी मंदिर से भगवान राम की शोभा यात्रा रवाना होगी। इस बार भी रावण आंखें झपकाएगा, तलवार हिलाते हुए गर्जना करेगा। रिमोट से रावण दहन होगा, उड़ते हनुमान लंका दहन करेंगे। महापौर रेखा भाटी ने बताया कि मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद PC चौधरी, विधायक भीमराम भाटी सहित अन्य जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। LED पर लाइव प्रसारण होगा। महापौर रेखा भाटी ने बताया कि इस बार शाम 5:30 बजे से पूरे राउंड से आतिशबाजी होगी। शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र होगी। बता दें कि 1965 से अब रावण दहन मेला सिमट चुका है। पहले 3 दिन तक मेला भरता था। शोभा यात्रा पहले नगर परिषद से निकलती थी, 1984 से रघुनाथ मंदिर से ले जाने लगे हैं। पहले इस आयोजन के लिए शहर से चंदा लिया जाता था।